एलआईसी दे रही है तीस परसेंट की छूट आपने ली क्या अगर आपने अभी तक नहीं ली तो आप भी छूट का फायदा उठा सकते हैं बस आपको जल्दी करनी होगी क्योंकि ये तीस परसेंट की जो छूट है वो लिमिटेड टाइम के लिए है एक सितंबर 2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक और ये छूट सिर्फ इंडिविजुअल नॉन लिंक पॉलिसीज के लिए है मतलब इस छूट को यूलिप प्लान वाले नहीं ले सकते 30 की छूट लेने के लिए क्या क्या कंडीशन है कौन से पॉलिसी होल्डर इसका फायदा उठा सकते हैं कौन से फॉर्म लगेंगे कैसे अप्लाई करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये सब जानेंगे आगे डिटेल में दोस्तों इसका फायदा सिर्फ उन्हीं एल पॉलिसी होल्डर्स को है जिनकी पॉलिसी रुकी पड़ी है किसी भी कारण से और उस वजह से उनका प्रीमियम अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया है साथ ही साथ उस पर लेट होने की वजह से लेट फी का अमाउंट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो दोस्तों आपकी प्रीमियम पर जो लेट फी लगी हुई है ये छूट सिर्फ उसी लेट फी में आपको मिलेगी और जो आपका प्रीमियम है वो उतना ही जाएगा जितना आपका है बस आपको उसके ऊपर लगने वाली जो लेट फी है उस पर छूट मिलेगी और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों अगर आपकी पॉलिसी पांच साल से भी रुकी पड़ी है तब भी आप अपनी पॉलिसी को शुरू कर सकते हैं मतलब चालू करा सकते हैं वो भी इस स्पेशल रिवाइवल कैंपेन के तहत जो कि है 1 सितंबर 2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक और ये जो छूट है वो आपको कुछ इस तरह मिलेगी जो आप चार्ट पे भी देख सकते हैं जिनका प्रीमियम एक लाख रुपए तक है उनको 30 परसेंट की छूट मिलेगी और मैक्सिमम तीन हजार रुपए तक मिल सकती है सेम ऐसे ही अगर हम एक लाख एक से ऊपर की बात करें तीन लाख रुपए तक तो उनको तीस परसेंट की ही छूट मिलेगी लेकिन पैंतीस रुपए तक का मैक्सिमम छूट मिल सकता है ऐसे ही अगर तीन लाख से ऊपर जितना भी प्रीमियम है तो उन लोगों को चार हजार रुपए तक का छूट मिलेगा दोस्तों अब जानते हैं इस छूट को लेने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे इसमें जो लगने वाले फॉर्म है वो है रिवाइवल के जो कि अलग अलग एज के लिए अलग अलग फॉर्म है जैसे कि 680, 700 और 720 ये फॉर्म नंबर है और 600 सौ जो फॉर्म नंबर है वो 18 साल से ऊपर वालों के लिए है और 700 नंबर का फॉर्म जो है वो है 11 साल से 17 साल 11 महीने वालों के लिए और 720 नंबर फॉर्म जो लगता है वो लगता है जीरो से 10 साल वालों के लिए इसके साथ आपको लगाना होगा कोविड का फॉर्म जो कि अब इंपॉर्टेंट है हर एक फॉर्म के साथ आपको लगाना ही पड़ेगा साथ में एक आईडी प्रूफ लगेगा जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है और इसके अलावा जो भी कंडीशन होंगी वो आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग होंगी दोस्तों दी गई जानकारी से अगर आपकी नॉलेज बढ़ी और आपको फायदा हुआ तो वीडियो को लाइक like, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना जिससे आपको एल से जुड़ी सारी जानकारी और नई अपडेट्स सबसे पहले मिल सके